हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत पालेकर कमलेंदु सात्विक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक हेल्दी न्यूट्रिशियस टेस्टी और ट्रेडिशनल डिश। आज हम बनाने वाले हैं गोवन स्पेशल तीखे पोहे। तीखे पोहे यानी तीखे पोहे, नाम से है तीखे पोहे है, लेकिन टेस्ट में तीखे है, मीठे है, नमकीन है, क्रिस्पी है। गोवा में दिवाली में ये बनता ही है और हम जीएसबी लोग ये हमेशा बनाते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि दिवाली के लिए ये हम बनाएंगे और हमारे आनंद में आपको भी शामिल करें। बनाने के लिए है हमेशा की तरह पद्मा जी। नमस्कार, आज की हमारी रेसिपी तीखे पोहे, ये गोवन स्पेशलिटी है और ये बनाने के लिए हमें चाहिए जाड़ा पोहा आधा कटोरी, ये चिकी गुड़ है ये आधा बाउल लिया है मैंने और ये ग्रेट करके रखा है, ये तिल है, ये पीनट्स जो मैंने रोस्ट करके रखे हैं आधी कटोरी, ये दाल है इसे चिवड़ा में भी हम यूज करते हैं ये आधा कटोरी लिया है, ये कैशू नट्स है पीसेस करके रखे हैं आधा कटोरी, ये भी आधा कटोरी है, ये ड्राई कोकोनट जो मैंने स्लाइस करके रखे हैं, ये हींग है एस्फोडिटा, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये रेसिपी बनाने में, ये नमक है, जिंजर है, अदरक और ये ग्रीन चिलीज है, इसके पीसेस करके मैंने रखे है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑयल फ्राइंग के लिए। अभी ये कृति शुरू करते हैं। ये पैन में जो ऑयल रखा था वो गर्म हो चुका है, सबसे पहले हमें ये पोहा फ्राई करना है, तो ये स्ट्रेनर में डाल के हम फ्राई करेंगे। स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से फ्राई होता है। और स्ट्रेनर में डालने से भी ये जो ऑयल है पोहा में से ऑयल पूरी तरह से निकलता है। पैन अब गर्म हो चुका है, इसमें हम तड़के की तैयारी करेंगे। ये 3 टीस्पून तेल, इसमें हरी मिर्च, हींग एस्फोडिटा 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा, इसका फ्रेग्रेंस आना चाहिए। अभी इसमें ये जो अदरक लिया है वो मैं ग्रेट करके डालती हूँ। अदरक डालने से बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है, फ्लेवर इसका बढ़ जाएगा। अभी ये ड्राई कोकोनट, थोड़ा रोस्ट करना है, साथ में ये दाल, ये तिल, एक एक करके हमें ये इसमें डालना है। कैशू नट्स, और ये पीनट्स,
अभी ये रोस्ट हो चुका है, तो ये सब हमें ये जो हमने पोहा फ्राई किया था उसमें रखना है। अभी हम ये गुड़ जो रखा है इसका सिरप बनाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। और ये गुड़ का मैंने बारीक पीसेस करके रखे थे, अगर बड़े बड़े पीसेस हो तो ये जल भी सकता है। ये बारीक पीसेस करने से जल्दी हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा अदरक डालती हूँ, ये तो टेस्ट बढ़ जाता है। ये सिरप तो बन चुका है, इसमें हम टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अभी ये जो पोहा और ये जो तड़का सब मसाले वाले जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। अभी ये सब मिक्स करना है। अभी ये अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, सर्विंग के लिए तैयार है। मैं अभी सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ। कैसी लगी आपको यह दिवाली स्पेशल रेसिपी? आप जरूर देखिए, बनाइए, हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मैं प्रशांत, मैं पद्मा, और जो वीडियोग्राफी कर रही है वो हमारी बेटी ईशा, वैसे ही जो हमारी एडिटिंग टीम, इन सबकी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली दिवाली और न्यू ईयर की शुभकामनाएं। धन्यवाद।